हेलो दोस्तों, आगे हम और एक न्यू वीडियो में ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा मार्शल। आज हम मार्शल की स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और स्पीकर काफी कमाल का है। आपके सामने ये बॉक्स रखा है, आप देख सकते हैं, मॉडल का नाम है मिडलटन। इसी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से, क्या फीचर्स है और कैसा लुक है, डिजाइन के बारे में बाकायदा हम इसके बारे में बहुत अच्छे से आज हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली हम इसे कर लेते हैं अनबॉक्सिंग क्योंकि इसका टाइम हो चुका है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा सामने, ये इसकी सील। तो अभी मैं दोस्तों इसे पहले कर लेता हूँ अनबॉक्स। तो ये अभी हमने निकाल लिया और इसके ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों एक और कवर है, पहले हम इसे बाहर कर लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है ईस्ट 1962 यानी 1962 की कंपनी। तो आपको ये चीज तो पता लगे कि ब्रांड काफी पुराना है। साथ ही दोस्तों भाई हम निकाल लेते हैं स्पीकर को। ओहो हो, तो आप स्पीकर को देख सकते हैं, मतलब क्या ही पैकिंग की है दोस्तों। और इसके बाद जब आपको स्पीकर दिखाऊंगा ना तो आपको वॉ फीलिंग आएगी। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसे साइड कर लेते हैं और अभी दोस्तों हम पहले स्पीकर को लेते हैं बाहर। तो अभी हमने रैप को कर दिया ओपन और अब आपको यहां पे दिखाते हैं दोस्तों, ये रहा तो ये निकल गया दोस्तों आपके सामने स्पीकर। वाओ, लगा ना कुछ यूनिक यूनिक डिजाइन। और खास बात आपको यहां पे एक चीज बता देता हूं, देख रहे हैं आप ये चीज, एक स्ट्रैप भी मिलता है। तो अभी और बॉक्स में देख लेते क्या क्या है। तो वाओ, ये रहा दोस्तों आपका स्ट्रैप, जिससे आप अगर बाहर जाते हो ना तो आपको ऐसे करके नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रैप लगेगा, आप इसे हैंग कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक टाइप सी डेटा केबल मिलती है ये, और यहाँ पर आपको कुछ यूजर गाइड्स मिलते हैं जो इसके अंदर है, यहाँ बंद कर देते। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ये स्पीकर आपको 360 डिग्री साउंड देता है। ये देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। साथ ही दोस्तों अगर इसकी वेट की बात करें, वाओ, मतलब बहुत ही लाइट वेट है स्पीकर। अब आपको हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता दें। आपको यहाँ पर ना कुछ प्लेन सा दिख रहा होगा लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सारे फीचर दिख रहे हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना कुछ गोल्डन कलर का, ये इसका सबसे यूनिक बटन और कुछ अलग ही सा फील करा रहा है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस और माइनस, और साथ ही इसको आप प्रेस करोगे ना तो ये स्पीकर ऑन हो जाता है, जैसे कि हमने देखो अभी इस प्रेस किया और ये ऑन हो गया। और वाओ, और यहाँ पर ना आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है बैटरी का, यानी मतलब ये कुछ अलग सा ही बना रखा है दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपका बास एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आपको बास का मिल जाता है और ये ट्रबल का मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ना ब्लूटूथ का इंडिकेटर मिलता है। और ये चीज आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही माइनर दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर लिखा है मॉडल नेम। और ये जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये काफी कमाल की लग रही है। तो टेस्ट करते हैं इसका साउंड कैसा है। साउंड तो जैसे आपको बताया कि वाओ क्वालिटी का है। तो अभी हम दोस्तों इसका चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने साउंड को प्ले किया है। तो साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या मेंशन है, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल से बता पाऊं। तो साथ ही दोस्तों फर्स्ट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मार्शल सिग्नेचर साउंड। साथ ही यहाँ पर IP67 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट स्पीकर आता है। स्टक मोड का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप स्टक मोड का ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो स्पीकर दिख रहे हैं, यानी ये स्टक मोड पर जाओगे यहाँ पर डबल टैप करोगे तो ये स्पीकर आपस में ना वायरलेस पेयर हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 20 आवर्स का प्लेबैक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और पावर बैंक का भी ये काम करता है स्पीकर, अगर आपको कल आप आउटिंग पे जाते हो तो अगर आप मोबाइल आपको चार्ज करना है तो आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इसकी वेट की, तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं 1.8 केजी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत ही लाइट वेट स्पीकर है, तो स्पीकर काफी कमाल का है, लेटेस्ट स्पीकर आया है। एक बार आप फिर से देखें स्पीकर कैसा लगा।